औरंगाबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आज से दूध और दवाई की दुकानों के अलावा बाकी सभी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया है, जिसके बाद वहां खरीदारी के लिए भारी तादाद में लोग निकल आए। लोगों की भीड़ बाजारों में पहुंच गई और लोगों ने खरीदारी करनी शुरू कर दी, लेकिन लोगों के इस उतावलेपन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूट गए। लोगों की भारी भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस वालों के लिए बड़ी चुनौती बन गई। नौबत यहां तक आ गई कि खरीदारी के लिए पहुंचे लोगों के बीच हाथापाई तक होने लगी। फल शाक अने बीजी जे करियाणानी दुकानो छे एमां छेल्ला केटलाक दिवसोमां लगभग 25% लोको पॉजिटिव निकळ्या छे, एटले ए सुपर स्प्रेडर जेना द्वारा घणा लोकोने संक्रमण थाय छे एनी व्याख्यामां आवे छे। एटले जरूरी छे कि जेटला आवा लोको छे एनी तात्कालिक तपास करवामां आवे अने सर्वेलन्समां राखवामां आवे। एटले માત્ર દૂધ અને દવાની દુકાનો એ સિવાયની બધી દુકાનો બંધ રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવેલો છે। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर दिया। रियाज नायकू का मारा जाना जवानों के लिए बड़ी कामयाबी है। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने घाटी में उसे अपना पोस्टर बॉय बनाया था, लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय और टॉप कमांडर रियाज नायकू को ढेर कर आतंकियों की कमर तोड़ दी। रियाज नायकू की तलाश के लिए बीती शाम से ही ऑपरेशन चलाया गया, फिर सुबह के वक्त सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी तेज कर दी ताकि रियाज नायकू और उसके साथ छिपे आतंकी वहां से भाग न पाए। जिस जगह रियाज नायकू छिपा था उसे चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ देर बाद जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई और लंबी चली मुठभेड़ के बाद सुबह करीब 9 बजे आतंकी रियाज नायकू मारा गया। रुक रुक के भी काफी देर तक फायरिंग हो रही थी, लेकिन कुछ देर पहले जबरदस्त धमाके हुए, जबरदस्त फायरिंग हुई और अभी खबर आ रही है कि वो मिलिटेंट कमांडर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का रियाज नायकू वो भी इस ऑपरेशन में मारा गया। इस मुठभेड़ में रियाज नायकू के साथ एक और आतंकी मारा गया। इस ऑपरेशन को सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों ने अंजाम दिया और मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू को मार गिराया। रियाज नायकू का मारा जाना सुरक्षा बल के लिए इसलिए भी बड़ी कामयाबी है क्योंकि रियाज नायकू A++ कैटेगरी का आतंकी था जिसकी तलाश लंबे वक्त से की जा रही थी। जुलाई 2016 में बुरहान वानी के मारे जाने के बाद रियाज को हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था। रियाज नायकू पर 12 लाख का इनाम भी था और वो घाटी में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे चुका था। रियाज नायकू घाटी के युवाओं को बरगलाकर और धमकाकर अपने आतंकी संगठन में शामिल करवाता था, लेकिन उसके मारे जाने से आतंकियों के मंसूबों को तगड़ा झटका लगा। सुरक्षा बल ने न केवल रियाज नायकू और उसके साथी को ढेर किया बल्कि घाटी में हुई 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में एक और आतंकी मारा गया। इस आतंकी को पंपोर इलाके में ढेर कर दिया गया। इस गर्मियों के दौरान कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है उसके तरफ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। रियाज नायकू को ढेर करने के साथ ही उन जवानों की शहादत का बदला भी लिया गया जिन्हें हंदवाड़ा में 2 अलग-अलग आतंकी हमलों में निशाना बनाया गया था। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। कांग्रेस ने भी सुरक्षा बल के जवानों की बहादुरी की तारीफ की और रियाज नायकू के खात्मे को पाकिस्तान के लिए करारा झटका बताया। आपने बहुत खूब जवाब दिया, आपको मैं सल्यूट करती हूँ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि गैस का रिसाव 3 किलोमीटर तक फैल गया है। गैस की चपेट में आकर कई लोग बेहोश हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से आ रही है, जहां जानकारी ये मिल रही है कि गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। दरअसल एक फार्मा कंपनी में गैस लीक होने से हड़कंप मचा है। बताया गया है कि गैस का रिसाव 3 किलोमीटर तक फैल गया है। गैस की चपेट में आकर कई लोग बेहोश हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता संजय तिवारी जुड़ गए हैं। संजय, ताजा अपडेट इस खबर पर क्या मिल रहा है? नेहा, ये तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में ये जो है वो गैस फैली हुई है और इसका असर जो है वो काफी नजर आ रहा है। तकरीबन इस पूरे एरिया का अंदाज के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग जो है वो एरिया इसकी जद में आए हुए हैं। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई हैं जो लगातार उनको जो है वहां से हॉस्पिटल ले जाने लोगों को कोशिश में लगी हुई है। दरअसल LG पॉलीमर नाम की एक कंपनी है, RR वेंकटपुरम एक जगह है विशाखापट्टनम के आउटस्कर्ट्स में, इंडस्ट्रियल एरिया है,
वहाँ पर ये फैक्ट्री थी, तो दरअसल लॉकडाउन की वजह से ये बहुत दिन थे ये फैक्ट्री बंद थी, और जब ये काम करने की शुरुआत करने का गवर्नमेंट की तरफ से इनको इजाज़त मिली, तो कल रात को एक्चुअली इसका ट्रायल किया जा रहा था, और ट्रायल के दौरान जब जो है वो उसमें से जब उसके फैक्ट्री की मशीन्स को दोबारा से ट्रायल शुरू किया गया, तो उसी समय वहाँ से गैस लीक हुई है, और गैस लीक होने की वजह से तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में ये गैस फैली हुई है। बिल्कुल संजय, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से इस वक्त की बड़ी खबर है, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में एक वर्चुअल प्रार्थना होगी, इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी भाषण देंगे, साथ में कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया जाएगा। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में आने वाले पुलिस कर्मियों की संख्या 456 पहुंच गई। इस महामारी से पुलिस वालों को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए, और उसी के तहत मुंबई में कोरोना प्रभावित इलाकों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर गश्त करते दिखे। साथ ही डॉक्टर बुलाकर पुलिस वालों को कोरोना से बचाव के बारे में भी समझाया गया। मुझे भी काफी तकलीफ होता है, एक तो एक हॉस्टल में रहो, ऊपर से याडा मास्क और फ्लोर में घूमना, तकलीफ होता है लेकिन आपको तकलीफ सहना पड़ेगा। और मुंबई पुलिस के जवानों और उनके परिवार के लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई। उनको जितना हम एजुकेट करेंगे उतना उनका डर कम रहेगा इस बीमारी के बारे में, उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो, इसके लिए ये हेल्पलाइन बहुत जरूरी है। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने उम्रदराज पुलिस कर्मियों को ऑफिस या फील्ड ड्यूटी से अलग रखने का भी फैसला किया। मुंबई पुलिस में जो 55 साल के ऊपर की कांस्टेबलरी है उन्हें सबको घर रहने की निर्देश दिए गए हैं, जबकि 52 साल के ऊपर की उम्र के जिन पुलिस वालों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या दूसरी कोई बीमारी है उनको भी घर रहने का निर्देश जारी कर दिया गया। वजह यह है कि ऐसे लोगों के कोरोना की चपेट में आने की आशंका ज्यादा है, और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर इस बीमारी ने जिस कदर हमला बोला उसे देखते हुए पुलिस अधिकारी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। बताया गया कि महाराष्ट्र में अब तक 456 पुलिस वाले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 42 अधिकारी और 414 कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल रैंक के हैं। इनमें 215 यानी करीब 50% मुंबई पुलिस के जवान हैं जिन्हें कोरोना वायरस होने की पुष्टि हुई। वहीं मुंबई में 3 और पुणे में 1 पुलिस कर्मचारी की कोरोना से मौत भी हो चुकी। पीवी सिंधु ने किताब पढ़ने की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पीवी सिंधु ने लॉकडाउन के बीच घर में किताब पढ़ने की अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिस पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी तारीफ की। बीएमसी ने भीड़ की वजह से मुंबई में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। इसके बाद कुछ इलाकों में शराब की दुकानें खोलने पर दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीएमसी ने देर रात एक ऑर्डर जारी किया और साफ तौर पर कहा कि मुंबई में जितनी भी वाइन शॉप है वो अब पूरी तरीके से बंद रहेंगी। हरियाणा के भिवानी में मामूली विवाद में एक महिला पर एक दुकानदार को नकली पिस्टल दिखाकर धमकाने का आरोप लगा। जो ये बताइए मैं चंडीगढ़ ला कर रही हूँ, इसको पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल 2 रुपए और डीजल की कीमत 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी। नई कीमतें आज आधी रात से लागू होंगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और गुजरात के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना वायरस के खतरे से निपटने पर चर्चा की गई। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की मीटिंग से हम उनकी और ज्यादा अच्छी बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे। सूरत से करीब 1200 मजदूर एक ट्रेन के जरिए बिहार के बरौनी पहुंचे। काम के सिलसिले में सूरत गए ये मजदूर लॉकडाउन के बाद वहीं फंस गए थे। जो एक ट्रेन के जरिए बरौनी पहुंचे, जहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पर कोई दिक्कत ना हो इसके लिए वहां पुलिस वाले भी मौजूद रहे। ट्रेन के पहुंचने के बाद एक एक कर मजदूर बाहर आए और उनके शरीर का तापमान मापा गया। जांच में सब कुछ ठीक मिलने के बाद इन मजदूरों को खाने के डिब्बे और पानी की बोतलें भी दी गईं। ऐसी ही एक ट्रेन केरल में फंसे बिहार के मजदूरों को लेकर कटिहार पहुंची। ट्रेन से मजदूरों के उतरने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूरों को स्क्रीनिंग के लिए प्लेटफॉर्म पर बने गोल घेरे में खड़ा किया गया। बताया गया कि जांच के बाद इन मजदूरों को कई बसों की मदद से उनके घर भेज दिया गया।
तेलंगाना से भी कुछ मजदूर एक ट्रेन से खगड़िया पहुंचे, जहां जांच के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। घर पहुंचे ये मजदूर काफी खुश दिखे। अपना बिहार आए तो भाई शांति है, कोई दिक्कत नहीं, अपना गांव घर में रहेंगे, कमाए खाएंगे। पंजाब के मुक्तसर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के एक आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आज से पंजाब में खुलने जा रही शराब की दुकानों और शराब की होम डिलीवरी को लेकर मुक्तसर के डीसी ने तमाम धार्मिक स्थलों को चिट्ठी लिखकर आदेश दिया कि वो अपने गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर से घोषणा करें कि शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं और इस दौरान शराब की डिलीवरी घर घर की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख कुछ ही घंटों में मुक्तसर के डीसी ने अपना आदेश वापस ले लिया। अब इस आदेश को लेकर अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। जूना अखाड़े के जगत गुरु ने तो डीसी को बर्खास्त करने की मांग कर दी है कि देखते ही ऑर्डर डीसी वालों कटे जा रहे हैं कि शराब घर घर मिलेगी, ये धार्मिक स्थानों के उत्तों अनाउंस करो। मैं मुख्यमंत्री साहब को बेनती करता कि थोड़ा बहुत तर्स करो, ये ऑर्डर किवें होया इसकी इंक्वायरी करो, जिन्हें अफसर ने किया उसके सख्त कार्रवाई करो। देखिए, शराब की बिक्री के लिए पंजाब सरकार इतनी डेस्परेट हो गई है कि 40 मुक्तों की धरती श्री मुक्तसर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर करती है कि पवित्र स्थानों के धार्मिक स्थानों से अनाउंसमेंट की जाए कि कल से जो होम डिलीवरी है वो शुरू हो रही है शराब की। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के मुक्तसर के डीसी ने एक बेहुदा ऑर्डर निकाले कि शराब की होम डिलीवरी के लिए धार्मिक स्थानों से अलाउंसमेंट हो। इस घटना की हम जोरदार निंदा करते हैं और पंजाब सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। कोरोना वायरस के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया में बेसबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। दक्षिण कोरिया में कोरोना के करीब 10,000 मरीज हैं, हालांकि वहां नए मरीजों की तादाद तेजी से घट रही है, जिसके बाद वहां बेसबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत करने का फैसला किया गया। सामने आए वीडियो में दो टीमें अपने मैच की तैयारी करती दिखी, हालांकि कोरोना वायरस की वजह से वहां दर्शकों को नहीं आने दिया गया। ऐसे में दर्शकों की कमी को पूरा करने के लिए वहां उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। स्टेडियम में दर्शकों के लिए बनी सीटों पर खास तरह के बैनर लगा दिए गए। इन बैनरों में लोगों की तस्वीरें बनी थी। मैच के दौरान वहां चीयरलीडर्स भी नजर आई। मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी कई लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच गए, जो मोबाइल फोन पर मैच देखते नजर आए। हालांकि इस टूर्नामेंट को टीवी पर दिखाया जा रहा है ताकि लोग घर पर ही मैच देख सकें। महाराष्ट्र के नागपुर में एक महीने बाद घर लौटी एक नर्स का इलाके के लोगों ने सम्मान किया। ये नर्स महीने भर से कोरोना मरीजों के इलाज में जुटी थी, जिसके घर लौटने पर इलाके के लोगों ने उस पर फूल बरसाए और उसका स्वागत किया। लोगों ने इस नर्स के सम्मान में तालियां भी बजाई। उसके घर के बाहर वेलकम भी लिखा नजर आया। बुजुर्गों ने घर में घुसने से पहले उसकी आरती भी उतारी। ये सब देखकर वो भावुक हो गई और सभी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन के बीच तेलंगाना में शराब की दुकानों के खुलते ही वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। एक दिन पहले तेलंगाना सरकार ने शराब की कीमतों में 16% की बढ़ोतरी के साथ दुकानों को खोलने का फैसला किया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदने की इजाजत दे दी थी। लेकिन जब लोग दुकानों पर पहुंचे तो उन्होंने सारे नियम कायदे तोड़ दिए। नियमों की अनदेखी की एक ऐसी ही तस्वीर हैदराबाद से आई, जहां दुकानों के बाहर गोले बनाए गए थे ताकि लोग तय दूरी पर खड़े हो सकें। लेकिन कतारों में खड़े लोगों ने इसका पालन नहीं किया और एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखाई दिए। ये हाल हैदराबाद के सिर्फ एक इलाके का नहीं था, जहां भी नजर गई वहां की दुकानों पर शराब खरीदने वालों की लाइन नियमों के मुताबिक नहीं दिखी। एक इलाके में तो दुकान खुलने से पहले ही 1 किलोमीटर लंबी कतार लगी नजर आई। कमोबेश ऐसे ही हालात वरंगल में भी दिखाई दिए। दुकानों के खुलते ही शराब खरीदने वालों की भारी भीड़ जुट गई, जिसके बाद सभी लोगों को कतार में खड़ा कर दिया गया। इन लोगों में कुछ ने तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, जबकि दुकान से थोड़ी दूरी पर ज्यादातर लोग एक दूसरे के करीब खड़े नजर आए। लाइन में खड़ा करके एक के बाद डिस्टेंस मेंटेनेंस करके दारू मिल रहा या कुछ भी गड़बड़ क्या भी नहीं है, बहरहाल तो अच्छा है। शराब की दुकानों के खुलने की एक तस्वीर सिकंदराबाद से भी सामने आई। वहां दुकान खुलने का इंतजार कर रहे एक आदमी ने तो खुशी के मारे डांस करना शुरू कर दिया। मुंबई से बिहार जा रही एक ट्रेन में कुछ मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि ये मजदूर ट्रेन में बांटे जा रहे खाने के लिए आपस में भिड़ गए और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मध्य प्रदेश के सतना रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को काफी देर तक खड़ा रखना पड़ा। ये मजदूर हाथापाई पर उतारू हो गए। कुछ लोग तो एक दूसरे पर लात चलाते भी नजर आए।
इस हंगामे की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन कोरोना की चपेट में आने के डर से ट्रेन के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं गया। बाहर से ही मजदूरों को शांत कराया गया, जिसके बाद इस ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। बिहार के नवादा में क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए मजदूरों ने खाना नहीं देने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दूसरे राज्यों से लौटे इन मजदूरों को 21 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया, जिन्होंने प्रशासन पर खाना नहीं देने का आरोप लगाया और इसी बात पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान कुछ मजदूरों ने गेट के पास इकट्ठा होकर उसे खोलने की मांग की ताकि वो अपने घर जा सकें। हालांकि वहां मौजूद एक पुलिसकर्मी मजदूरों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें शांत कराता दिखाई दिया, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर में न तो खाने का इंतजाम है और न ही पीने के पानी का। 21 दिन क्वारंटीन रखने का बात किया जा रहा है, जबकि एक टाइम का खाना व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। मजदूरों के हंगामे के बीच कुछ लोग एक गाड़ी में खाने के डिब्बे लेकर वहां पहुंचे और उनमें बांट दिए। राजस्थान के जोधपुर में एक आदमी ने दूध बेचने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उसने अपनी बाइक पर एक पाइप को लकड़ी के साथ बांध दिया। इस पाइप की एक तरफ उसने प्लास्टिक की बोतल काट कर लगा दी। इसकी मदद से अब उसे दूध देने के लिए लोगों के नजदीक नहीं जाना पड़ा। यानी ये अनोखा तरीका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में काफी मददगार साबित हो रहा है। यही नहीं, इससे लोग भी बिना डरे दूध ले रहे हैं। ये लगाने से क्या होता है, कस्टमर भी हमारे के बीच में ये गैप आ जाता है। यहाँ से हम दूध डालेंगे, कस्टमर इतना दूर से दूध लेगा, ना हमारे संपर्क में आएगा, ना हम उनके संपर्क। अभिनेत्री भाग्यश्री ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। अभिनेत्री भाग्यश्री ने लॉकडाउन में अपने घर पर पति के साथ कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। बिहार के गोपालगंज में लॉकडाउन के बीच एक दूल्हे ने 4 बारातियों की मौजूदगी में शादी की। इस दौरान सभी ने मास्क पहनने के साथ साथ एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा। लॉकडाउन में शादी होने के कारण सभी लोग दूरी बनाकर रखे। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और अब तक 100 लाख टन गेहूं की फसल मंडियों में पहुंचने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने फसल की कटाई और उसे सही तरीके से मंडी में बेचने के लिए किसानों की तारीफ की। सारे बधाई देने, तगड़े रहो, आगे हफ्ता दस रहे कटिए। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। बिहार के नवादा के क्वारंटीन सेंटर में कुछ लोगों ने खाना देर से मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एक सीट पे मेरे को 3 आदमी बैठा करके लेकर आया और रास्ते में लेकर आया, खाना तक हमको रास्ते में नहीं मिला। कोरोना वायरस की मार झेल रहे अमेरिका में मर्डर हॉर्नेट्स नाम की मक्खियां दिखी, जो मधुमक्खियों के साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा है। इन मक्खियों को मर्डर हॉर्नेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में हर साल इनकी वजह से 50 लोगों की करीब मौत हो जाती और ये जानलेवा मक्खियां पहली बार अमेरिका में दिखाई दी। दावा किया गया कि आकार में दूसरी मक्खियों से काफी बड़ी इन मक्खियों का डंक इतना जहरीला होता है कि ये इंसानों की जान भी ले सकता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के छत्ते पर हमला कर ये मक्खियां कुछ ही देर में उन्हें मार देती हैं। खबर है कि अमेरिका की कई जगहों पर मरी हुई मधुमक्खियां दिखाई दी जिनके सिर कटे हुए थे, जिसके बाद ही मर्डर हॉर्नेट्स नाम की इन मक्खियों के वहां होने का पता चला। बताया गया कि अलग अलग शहरों में इन मक्खियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 1,233 कोरोना के मरीज सामने आए और एक दिन में ये वहां कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद 17,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मुंबई से हैं। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। पूरे राज्य में अब तक कोरोना से कुल 5 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 मौत मुंबई और 1 पुणे में हुई थी। ईडी ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद पर शिकंजा कस दिया है। जानकारी के मुताबिक पैसों के लेन देन के मामले में ईडी ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के 2 करीबियों को नोटिस भेजा है, जिनमें एक मरकज के कोर ग्रुप का सदस्य है जबकि दूसरे पर हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप। सूत्रों के मुताबिक इनके वकील ने ईडी के अधिकारियों से संपर्क कर फिलहाल दोनों के पेश नहीं होने की जानकारी दी। एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के बेटे सईद से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। खबर है कि ईडी ने मौलाना साद के बेटे से मरकज पहुंचे उन लोगों की भी जानकारी मांगी जो विदेशों से चार्टर्ड प्लेन के जरिए भारत आए थे। इस मामले में ईडी अब तक मौलाना साद के 9 से ज्यादा करीबियों से पूछताछ कर चुका है।
दिल्ली के पास गाजियाबाद में सिलेंडर फटने से एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब ये महिला खाना बना रही थी और सिलेंडर में धमाका होते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग राहत बचाव के काम में जुट गए। धमाके में घर की छत टूटकर नीचे गिर गई, जबकि आसपास के कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया गया कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं। हम तो अपने घर में बैठे थे, एकदम से बहुत तेज आवाज आई, घर से निकल भागे, घर में जो सिलेंडर फट गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट दफ्तरों में भी नियमों के तहत काम शुरू हो गया। लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू होने के तीसरे दिन सराय काले खान के ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर काफी तादाद में लोग पहुंचे और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए गेट के बाहर कतार में खड़ा कर दिया गया। लोगों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए वहां जमीन पर गोले बने नजर आए और सभी को उन गोलों के अंदर ही खड़े रहने के निर्देश दिए गए। आज लॉकडाउन तीन का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में काफी तादाद में लोग यहां पहुंचे हुए हैं। बीते दो दिन हमने इतने लोग यहां पर नहीं देखे। दफ्तर के गेट से अंदर दाखिल होने वाले लोगों की पहले स्क्रीनिंग की गई और फिर कागजों की शुरुआती जाँच के बाद उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए। ट्रांसपोर्ट दफ्तर के अंदर ज्यादा भीड़ न लगे, इसलिए एक बार में कुछ ही लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी गई। साथ ही दफ्तर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग को हम प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक बॉक्स बना दिए हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लॉकडाउन के दौरान देश के हर हिस्से में अनाज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया और देश के कोने कोने तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काम किया उसकी तारीफ की। अपने ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए ये बात लिखी। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में दिल्ली में इस योजना के तहत गरीबों को बांटे गए अनाज के आंकड़े भी लिखे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल से अनाज वितरण में तेजी लाने की गुजारिश की। लॉकडाउन के बीच यूपी के सहारनपुर में वीडियो कॉल के जरिए निकाह हुआ। लड़की जिस इलाके में रहती है वो पूरा इलाका हॉटस्पॉट है और ये वजह रही कि दूल्हे को वहां जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद लड़की के घर पहुंचे काजी ने कुछ लोगों की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए निकाह पढ़ाया। काजी ने पहले लड़की से इजाजत ली। इजाजत है? इजाजत है। लड़की से इजाजत मिलने के बाद लड़के से रजामंदी ली गई और फिर वीडियो कॉल के जरिए ही निकाह पढ़ाया गया। निकाह लड़के ने खुद नहीं बल्कि उसकी तरफ से एक गवाह ने पढ़ा। हालांकि लड़का निकाह के दौरान खुद भी वीडियो कॉल के जरिए जुड़ा रहा। क्या आपने इस लड़की को हनीफ के वक्त निकाह में उनकी तरफ से कबूल किया? मैंने हनीफ की तरफ से सना को कबूल। गुजरात में कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों को देखते हुए सख्ती और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 7 कंपनियों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां आज से अहमदाबाद में गश्त लगाएंगी। यही नहीं, वहां BSF की 6 और CISF की 1 कंपनी को भी तैनात किया गया है। गुजरात के सूरत में भी पैरामिलिट्री फोर्स की 2 कंपनियां तैनात की गई हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 380 नए मरीज सामने आए, जबकि 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हुई। इसमें 291 मरीज अहमदाबाद में ही मिले, जबकि एक ही दिन में कुल 28 में 25 मौतें भी अहमदाबाद में ही हुई हैं। रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर दूसरे विश्व युद्ध की उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस की वजह से वहां विक्ट्री डे के मौके पर होने वाले जश्न को टाला जा चुका है, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद वहां उस युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों को सम्मानित किया गया। व्लादिवोस्तोक में इन बुजुर्ग सैनिकों के लिए खास आयोजन किया गया। वहां सेना के एक बैंड ने इन बुजुर्ग सैनिकों को अपने ही अंदाज में सलामी दी। 1945 में हुई उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कई बुजुर्ग सैनिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद इन बुजुर्ग सैनिकों और उनके परिवार वालों के सम्मान में गाने भी गाए गए। उस लड़ाई में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की याद में राजधानी मॉस्को में एक एयर शो का आयोजन भी किया गया। एक वीडियो में धोनी अपनी बेटी के साथ घर में मस्ती करते नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें महेंद्र सिंह धोनी अपनी बेटी के साथ घर में मस्ती करते नजर आए। हरियाणा के पानीपत में एक्साइज विभाग की तरफ से सील किए गए एक गोदाम से चोरों ने 80 लाख से ज्यादा की शराब चुरा ली। शराब कारोबारियों ने सरकार से दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की इजाजत मांगी।
शराब की दुकानों पर लगने वाली भारी भीड़ को कम करने के लिए अपील की गई। पटना में एक दवा की दुकान में छापेमारी की गई, जहां से बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए गए मास्क और सैनिटाइजर जब्त किए गए। मुंबई में कोरोना वायरस के एक मरीज पर अस्पताल से भागने का आरोप लगा। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। ऐसे लोगों को थोड़ा मुश्किल रहता है, बट हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि उसको ट्रेस किया जाए। बेंगलुरु से पटना के पास दानापुर स्टेशन पहुंचे मजदूरों को बसों के जरिए उनके गांव भेजा गया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए, और इन मजदूरों को बस में बैठाने से पहले एनडीआरएफ के जवानों ने सभी के सामान को अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया। बिहार पहुंचे ये मजदूर भी नियमों का पालन करते नजर आए। सभी लोग बस में बैठने के लिए एक लाइन में खड़े हुए और उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी भी बनाए रखी। बेंगलुरु से ट्रेन आई है और उसमें जो सवार यात्री हैं उनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम इनके बैगों का भी सैनिटाइजेशन कर रही है। इससे पहले इन यात्रियों की मेडिकल जांच के लिए प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई, जिसके बाद ट्रेन से एक एक कर यात्रियों को उतारा गया और उनकी मेडिकल जांच की गई। कि जो लोग जो है इस ट्रेन से उतरे हैं उनकी जांच के बाद एक एक करके उतारा जा रहा है और जांच के बाद जो है उनको मुहर दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के बाहर कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिनमें बैठकर इन लोगों को गांव तक भेजा गया। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कश्मीर पर दुष्प्रचार करने वाले 3 फोटोग्राफर्स को बधाई देने का आरोप लगाया। जिन 3 फोटोग्राफर्स को पुलित्जर अवार्ड मिला, राहुल गांधी ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी थी। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का आरोप है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत के खिलाफ जिन्होंने काम किया, राहुल ने उन्हें बधाई दी। कि जब भारत की ने 5 महान सपूतों को एक ऐसी जंग में खोया है जहां पर लोकल कश्मीरियों को बचाने के लिए ये शहीद हुए हैं, ऐसे मौके पर भारत के खिलाफ जो ताकतें आवाज उठा रही हैं, जो फोटोग्राफर्स फोटो खींच खींच कर भारत को बदनाम कर रहे हैं, उनके साथ ये लोग खड़े हुए हैं, तो आज इन्हें अपनी देशभक्ति का परिचय देना ही पड़ेगा। बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने खारिज कर दिया और कहा कि राहुल गांधी ने जो किया वो सही किया है। कश्मीर के 3 फोटोग्राफर्स को अंतरराष्ट्रीय बड़ा अवार्ड मिला है, प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है, काबिले मुबारकबाद है। राहुल गांधी जी ने अगर उनको मुबारकबाद दी है तो सही मुबारकबाद दी है। कोरोना से जूझ रहे जर्मनी के डुसेलडॉर्फ में 3 जोड़ों ने शादी करने के लिए ड्राइव इन सिनेमा की मदद ली। जर्मनी में लोगों को लॉकडाउन से कुछ छूट तो मिली है, लेकिन वहां अब भी लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। ऐसे में ये जोड़े शादी करने के लिए चर्च के बजाय ड्राइव इन सिनेमा पहुंच गए। ये जोड़े और उनके मेहमान ड्राइव इन सिनेमा के लिए बनाए गए मैदान में पहुंचे। वहाँ इन जोड़ों के लिए एक स्टेज बनाया गया, जबकि मेहमान अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही शादी का हिस्सा बने। स्टेज पर एक पादरी भी मौजूद थे जिन्होंने शादी की रस्में पूरी कराई। इस दौरान नीचे मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाकर जश्न मनाया। इस दौरान वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया गया। यही नहीं, शादी करने वाला जोड़ा भी मास्क पहने नजर आया। दिल्ली के साउथ एवेन्यू इलाके में एक बंदर के एटीएम तोड़ने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बंदर एटीएम के अंदर मशीन पर चढ़ता है और फिर उसके एक हिस्से को जोर से पकड़कर खींचता है, जिसके बाद एटीएम का एक हिस्सा टूटकर झूलने लगता है। फिर बंदर बड़े आराम से टूटे हुए हिस्से पर चढ़ता है और उस पर कूदने लगता है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये बंदर एटीएम के अंदर घुसा कैसे। महामारी से जारी जंग के बीच दिल्ली पुलिस में कोरोना से पहली मौत हो गई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के भरतनगर थाने में तैनात 31 साल के कांस्टेबल की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया गया कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने के बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये कांस्टेबल हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था, जो लॉकडाउन में वहीं फंस गया था। हालांकि 2 दिन पहले ही वो ड्यूटी पर लौटा था। लॉकडाउन से हो रहे आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार को तो देखो, डीए जो भी है, आज तक जितने भी डीए दिए गए, इंक्रीमेंट दिए जाते हैं या जो भी पे स्केल दिए जाते हैं, पे कमीशन लागू किया जाता है, अभी तक दिल्ली सरकार ने जो भी केंद्र सरकार ने किया उसको फॉलो किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में फ्री में पेट्रोल डलवाने के लिए कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। ये सभी बदमाश 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वहां पहुंचे।
और पेट्रोल भरवाने के बाद कर्मचारियों से मारपीट की। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में इस मारपीट की तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें ये सभी बदमाश पेट्रोल पंप के कर्मचारी को पीटते हुए दिखे। बदमाशों से बचने के लिए ये कर्मचारी वहां से भाग गया, लेकिन बदमाश भी पिस्तौल लहराते हुए उसके पीछे भागते हुए नजर आए। हंगामा बढ़ते ही पेट्रोल पंप पर तैनात सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचा और बदमाशों का विरोध किया, जिसके बाद ये सभी बदमाश वहां से भाग गए। पैसा छीनना चाहे, फिर उसकी बात फायरिंग की है इन्होंने, तो हवाई फायर किए, हवाई फायर हमने भी किया बचाव में। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और बदमाशों की तलाश तेज कर दी। मध्य प्रदेश के इंदौर में नरसिंह जयंती पर एक मंदिर में जुटे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि प्रशासन की बिना मंजूरी के ये लोग वहां इकट्ठा हुए और इसके बाद मंदिर में पूजा भी की गई। कई लोगों ने मंदिर के बाहर से ही आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी देखा गया। सभी लोग मास्क पहने हुए नजर आए, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने राज्य में किसी भी तरह के आयोजन पर रोक लगाई हुई है, लेकिन आरोप है कि इंदौर में बिना प्रशासन की मंजूरी के नरसिंह की जयंती मनाई गई, जिसके बाद पुलिस की तरफ से लोगों पर कार्रवाई की गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कोलकाता की फूल मंडी में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की। कोरोना वायरस के खतरे के बीच फूल मंडी में आम दिनों की तरह ही भीड़ दिखाई दी और लोग बिना मास्क लगाए फूल मंडी में एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े नजर आए। मंडी में कुछ पुलिस वाले लोगों को हटाने की कोशिश करते हुए भी दिखे, लेकिन हैरानी तब हुई जब लोगों ने लापरवाही की सारी सीमाएं तोड़ते हुए पुलिस वालों की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कोलकाता की फूल मंडी की तस्वीरें दिखाती हूँ। तस्वीरें चौंकाने वाली है। जी हाँ, फूल मंडी में आज भी लॉकडाउन के दौरान भीड़ की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मंडी में काम करने वाले मजदूरों के साथ ही वहां खरीदारी करने पहुंचे लोग भी नियमों की अनदेखी करते दिखे। मंडी के अंदर मौजूद सड़क पर लोग खचाखच भरे नजर आए और किसी ने भी एक दूसरे से दूरी बनाना जरूरी नहीं समझा। हालांकि कुछ पुलिस वाले सख्ती बरतते हुए भी दिखे, लेकिन भारी भीड़ के बीच इनकी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। मंडी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वहां रोजाना ऐसी ही भीड़ जुटती है और कोई भी नियमों का पालन नहीं करता। भोर 4 बजे से 12 बजे तक ऐसा ही भीड़ रहता है। पड्डे ऐसा ही भीड़ रहता है। पूरा पब्लिक, आम पब्लिक पूरा आते जाते रहता है। यहाँ का रहने वाला लोग ऐसा ही रहता है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने लॉकडाउन पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने इस बैठक में केंद्र सरकार से 17 मई के बाद की योजना के बारे में पूछा और मोदी सरकार को घेर लिया। सोनिया गांधी के सवाल यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि वो किस आधार पर तय कर रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा होना चाहिए, जिसके बाद मनमोहन सिंह ने भी उनकी बात का समर्थन किया। वहीं इस बातचीत में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर आर्थिक मदद नहीं करने का आरोप लगाया। अगर लड़ाई प्रांत लड़ रहे हैं तो भारत सरकार जनता से जो पैसा वसूल रही है और केंद्रीय बजट में जो 30 लाख करोड़ रुपया खर्चे का है, वो प्रांतों को क्यों नहीं दे रही। जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया और केंद्र सरकार पर लगे आरोप को गलत ठहराया और साफ कर दिया कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार सभी राज्यों को साथ लेकर चल रही है। केंद्र सरकार जो भी निर्णय ले रही है, खासतौर से कोरोना के संदर्भ में, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर के बैठ करके उनकी बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है। उनको शायद ये पता नहीं है। कोरोना वायरस के गंभीर संकट के बीच चीन में एक रॉकेट को लॉन्च किया गया। बताया गया कि नई पीढ़ी के इस रॉकेट के जरिए चीन का मकसद अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना, जिसकी शुरुआत उसने एक रॉकेट लॉन्च करने के साथ की। लॉन्ग मार्च 5B नाम के इस रॉकेट की उड़ान को देखने के लिए स्पेस सेंटर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अपनी उड़ान के करीब 8 मिनट बाद ही ये रॉकेट अंतरिक्ष की कक्षा में दाखिल हो गया। बताया गया कि चीन इस बड़े रॉकेट की मदद से आने वाले दिनों में अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएगा और अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसके जरिए वहां भेजेगा। हालांकि चीन में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। वहां अब भी इस बीमारी के कई मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। यूपी के अमेठी में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। जिस इलाके में मरीज मिला उसे सील कर दिया गया और वहां के बाजार में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। जगह जगह पुलिस वाले तैनात दिखे और सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों पर सख्ती बरती।
लोग घरों से बाहर नहीं निकले, इसके लिए पुलिस वाले लोगों को जागरूक करते दिखाई दिए। कुछ पुलिस वाले बाजार में कपड़े की दुकान पर पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बौखलाए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत में बड़े हमले की साजिश रची है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद इसी महीने 11 तारीख को भारत में हमले की फिराक में है और इसके लिए जैश ए मोहम्मद ने तालिबान से हाथ मिला लिया है। बताया गया कि हमले के लिए तीन ग्रुप बनाए गए जिनमें 18 आतंकी शामिल हैं और इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने का जिम्मा जैश के कमांडर मुफ्ती अजगर कश्मीरी को सौंपा गया। खबर है कि आतंकी लीपा घाटी और नीलम घाटी के रास्ते भारत में दाखिल हो सकते हैं और 11 मई को जम्मू कश्मीर के उधमपुर, कठुआ और डोडा में एक साथ हमला कर सकते हैं। बुधवार की शाम देशद्रोह के केस में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफर उल इस्लाम के घर पहुंची। बताया गया कि वहां कुछ लोगों ने स्पेशल सेल की टीम का विरोध किया, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। जफर उल इस्लाम पर एक विवादास्पद बयान देने के बाद देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था और पहले इस मामले की जाँच साइबर सेल को सौंपी गई थी, लेकिन बाद में जाँच का जिम्मा स्पेशल सेल की दूसरी टीम को सौंप दिया गया। इस बीच जफर उल इस्लाम ने साइबर सेल को चिट्ठी लिखकर अपनी सेहत और उम्र का हवाला दिया और कहा कि पुलिस उन्हें थाने में बुलाकर पूछताछ के लिए मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा कि वो अपने घर पर ही पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगे और हर सवाल का जवाब देंगे।